हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। इस लेक्चर में हम यूपीपीसीएस के समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं इस पेपर में कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पेपर 60 अंक का होता है और इसमें निम्न 6 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक टॉपिक से 10 10 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इसमें हम पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है विलोम शब्द। जान लेते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, इसका अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, यानी कि जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द सजातीय होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, क्रिया का विलोम क्रिया तथा विशेषण का विलोम विशेषण होता है। विलोम शब्द हमारे काव्य सौंदर्य के तत्वों में से एक है। ये भाषा को सहजता प्रदान करते हैं तथा उसे अलंकृत करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि विलोम शब्द कैसे बनते हैं। तो इसमें पहला है उपसर्ग जोड़कर। जैसे कि उदाहरण देखते हैं इसका। आवश्यक में अन उपसर्ग जोड़कर अनावश्यक, देश में वी उपसर्ग जोड़कर विदेश, आदर में निर उपसर्ग जोड़कर निरादर। उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा, जैसे कि सुपुत्र में सु उपसर्ग को कु उपसर्ग से परिवर्तित करके कुपुत्र बना दिया गया है जो कि सुपुत्र का विलोम है। ऐसे ही आयात का निर्यात, सुलभ का दुर्लभ। अगला देखते हैं लिंग परिवर्तन के द्वारा, जैसे कि माता पिता विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, वर वधु एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, भाई बहन, राजा रानी इत्यादि। प्रत्यय परिवर्तन के द्वारा उदाहरण देखते हैं। गतिमान में मान प्रत्यय को हटाकर हीन लगा दिया गया है तो शब्द बना गतिहीन जो कि गतिमान का प्रत्यय है। ऐसे ही दयापूर्ण में पूर्ण हटा करके शून्य प्रत्यय लगा दिया गया है तो नया शब्द बना है दयाशून्य जो कि दयापूर्ण का विलोम शब्द है। ऐसे ही केंद्राभिगामी का केंद्रापसारी विलोम शब्द है। अगला है एक साथ आने वाले विलोम शब्द। इसमें जैसे कि गुण दोष, नया पुराना, मूक वाचाल, छोटा बड़ा आदि ये इसके उदाहरण हैं। चलिए अब हम 10 प्रश्न देख लेते हैं। इसके अलावा जब ये टॉपिक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक आपको एक कंप्लीट लिस्ट मैं डाल दूंगा जिसमें जो भी 200 या 300 जो भी विलोम शब्द हैं जो बार बार वही रिपीट करके सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। शायद उससे बाहर प्रश्न ना आए। कोशिश करेंगे कि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं उनको सम्मिलित कर लिया जाए। तो पहला प्रश्न है अथ का विलोम है पूर्ण, समाप्त, खत्म, इति। तो अथ का विलोम है इति। अगला है अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारी या प्राधिकृत। तो इसका उत्तर है बी अनधिकृत। जो अनाधिकृत है इसको आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये इसमें वर्तनी संबंधी शुद्धि अशुद्धि है। अनाधिकृत सही शब्द नहीं है, अनधिकृत सही शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुसुम शब्द का विलोम है कठोर, वज्र, कोमल और पाहन। तो कुसुम का मतलब होता है फूल और पाहन का मतलब होता है पत्थर। तो ये इसका सही विलोम है और कठोर और कोमल एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगला है निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। आमिष, सामिष, बी रथी, अरथी, सी उन्मूलन, रोपण या डी पंडित मूर्ख। तो इसका उत्तर है आमिष, सामिष। आमिष सामिष एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं और इसका विलोम होता है निरामिष। निरामिष देखते हैं अगला प्रश्न। कृतज्ञ का विलोम है अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतघ्न, जड़। तो इसका सही उत्तर है कृतघ्न, सी। हमारा अगला प्रश्न है अपव्यय का विलोम है अल्पव्यय, मितव्यय,
अव्यय या व्यय? तो इसका उत्तर है मित व्यय। देखते हैं अगला प्रश्न। समास का विलोम नहीं है, इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो ये ऐसे जब शब्द आते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन है व्यास, विग्रह, खंड या ह्रास। तो इसका उत्तर है ह्रास। ह्रास का मतलब होता है कमी, और बाकी तीनों व्यास, विग्रह, खंड ये समास के विलोम हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, महात्मा का विलोम है महान, दुरात्मा, अत्याचारी, निर्माता। तो इसका उत्तर है बी, दुरात्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य का विलोम है ए साधारण, बी अमान्य, सी विशिष्ट या डी गणमान्य। तो इसका उत्तर है सी विशिष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगम का विलोम है स्थावर, स्थिर, स्थानापन्न, अस्थिर। तो इसका उत्तर है ए स्थावर। तो इस टॉपिक में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम वर्तनी तथा वाक्यों में जो अशुद्धि होती है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।